सो ओके गाइस, सो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारा जो है कैसे काम करता है हमारा आईडी, जैसे जावा वर्चुअल मशीन जो है कैसे काम करता है, उसके बारे में हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। और वो बाइट कोड से कैसे कन्वर्ट करता है जेवीएम में, और कंपाइलर कैसे वर्क करता है, सोर्स कोड कैसे वर्क करता है, ये हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में जो आपको बताया था, वीडियो नंबर ट्यूटोरियल नंबर 3 या 2 में, कि जो है ग्राफ्स के बारे में बताया था, थ्योरेटिकल बताया था, लेकिन हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आ रहा था कि इस पे एक सेपरेट और वीडियो बनाया जाए। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है चीज़ें, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिया कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ, मतलब कवर कर लूँ वीडियो को। ठीक है, चलिए इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ बना लेता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले सोर्स कोड के बारे में तो मैंने बता दिया था, तो चलिए मैं कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो भी होता है सोर्स कोड होता है, ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स कोड, ठीक है, वो क्या करता है, वो कंपाइलर में कंपाइल करता है और ये कन्वर्ट कर देता है हमारा बाइट कोड में। कैसे काम करता है वो ग्राफ हम देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे हम बाइट कोड, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करता है कि ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर, या आप कह सकते हो लैपटॉप या कंप्यूटर में रन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट में ये रन करता है, जैसे हमारा विंडो, ठीक है, इसके बाद मैक, मशीन कर सकते हैं, चलिए मशीन, ठीक है। एक मिनट गाइस, यहाँ पे मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा क्लियरिटी कर देता हूँ। लिनक्स, देन हम कर देंगे मैक, और यहाँ पे एंड्रॉयड, एंड्रॉयड हम एंड्रॉयड को भी कवर कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है, एंड्रॉयड को भी कवर कर रहे हैं। बाकी वीडियो में अगर आप देखते हो यूट्यूब में गए, तो यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन को कवर नहीं करता है, तो हम एंड्रॉयड फ़ोन को भी हम बताने वाले हैं। तो ये सारे जो है जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन है एक तरह से, ठीक है, ये सारे, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा, जावा वर्चुअल मशीन कैसे काम करता है अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पे क्या करते थे हम, सोर्स जो भी कोड को हम राइट करते हैं, कोड को हम राइट करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो कोड को कंपाइल करता है। अब कंपाइल करने के लिए हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है, कंपाइल करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करे। और ये बाइट कोड क्या करता है कि अलग अलग वेरिएंट में, जैसे हमें विंडो में उसे शो करवाना है, विंडो में आउटपुट निकालना है, या लिनक्स में निकालना है, या एंड्रॉयड में निकालना है, तो वो हमारा आउटपुट दे दे, मतलब जावा वर्चुअल मशीन दे दे। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास कॉस्मिक कॉस्मिक आईडी ऐप है, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। दो एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन और दूसरा एप्लीकेशन हमारा क्या है, हमारा है जावा एन आईडी, ठीक है, ये दोनों एप्लीकेशन है। ये दोनों काम क्या करती है, दोनों एक ही प्रोसेस करती है, ये कंपाइल भी करती है, ये बाइट कोड में कन्वर्ट करती है, और ये जावा वर्चुअल मशीन है, मतलब ये तीनों काम जो है, 1 2 3, ये तीनों काम करती है हमारा मोबाइल में। तो अब अलग अलग जेवीएम होना चाहिए, जैसे विंडो में आप ऑपरेट कर रहे हैं तो विंडो का जेवीएम होना चाहिए, लिनक्स में ऑपरेट कर रहे हैं तो लिनक्स का जेवीएम होना चाहिए, मोबाइल में ऑपरेट कर रहे हैं तो मोबाइल में जेवीएम होना चाहिए। तो विंडो के लिए आपको तो पता होगा, विंडो, लिनक्स और मैक के लिए यहाँ पे अलग अलग होता है, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो काम करता है ये इसके लिए, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, इंटेलिजे हो गया, ये जावा करके सॉफ्टवेयर आता वो हो गया, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन हमारा एंड्रॉयड के लिए जो है हमारे ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों हमारे जो है जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सीक्वेंस, हमारा क्या करता है, सोर्स कोड जो भी है वो कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद जिसमें भी शो कराना है उसका एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर जेवीएम होता है,
वो JVM, मतलब ये तीनों प्रोसेस जो है, एक ये दोनों सॉफ्टवेयर काम करता है हमारा मोबाइल में, मोबाइल के लिए, ठीक है। आईडी भी होता है, आई डी ई, ठीक है, जो पहले रहता था प्ले स्टोर में, अभी रिमूव हो गया, ठीक है। एंड्रॉयड आईडी भी होता है मोबाइल के लिए, एंड्रॉयड आईडी भी है एक, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर से, तो अब ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं मोबाइल पे। हम लिनक्स और ये सारे आपको तो नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हमारा ये काम करता है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने आपको बताया था, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं, हमने इसमें बताया था जावा एन आई डी वाले में, हमने बताया था, क्या बताया था, कि आप फर्स्ट जो है क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मेन मेथड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे माई क्लास वर्क करके हमने क्रिएट कर रखा था। मैं आपको इसका दिखा दूँ, यहाँ तक हमने क्रिएट कर रखा था। अब मैं आपको दिखाऊँ कि हमने इसे रन करेंगे तो ये बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारा देखें, इसे रन कर दिए हमने, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है ये, हम चलिए अब ठीक हो गया। ये देख सकते हैं कि माई वर्क, माई क्लास वर्क करके हमने जो डाल रखा है, प्रिंट किया था सिस्टम से, वो हमारा शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे इसका बाइट कोड, कि ये कन्वर्ट किया है बाइट कोड में कि नहीं। तो आप एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, चलिए एक मिनट, मैं इसको जो इतना ये है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, इसको इरेज कर देता हूँ गाइस। सॉफ्टवेयर के बारे में तो हमने बता दिया था आपको, ठीक है। तो गाइस आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट नहीं आ सॉरी आपको जावा नहीं आता, तो आप पीजी जो है इजीली समझ पाएंगे। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाऊँ, आपको कंटिन्यूसली कवर करते हुए चलूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। ठीक है, अब क्या करता है हमारा, हम बात ये इन सब की बात नहीं करेंगे, इन सब की बात हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं एंड्रॉयड पे डेवलपमेंट करना। तो हम एंड्रॉयड JVM की बात करेंगे। तो एंड्रॉयड JVM में हमारा पहला सॉफ्टवेयर था कॉस्मिक, कॉस्मिक आईडी। दूसरा सॉफ्टवेयर था हमारा जावा एन आई डी ई, ठीक है। तो अब हमारे क्या करता है, सबसे पहले जो हमारा कोड होता है, कोड हमारा डॉट जावा करके होता है, जावा एक्सटेंशन से होता है, और बाइट कोड जो होता है वो डॉट क्लास एक्सटेंशन से होता है। ये बाइट कोड क्या होता है, ये जो भी कोड आप राइट करते हैं वो ऑटोमेटिक उसका जो प्रोसेस होता है, जो आपने कमांड राइट किया वो प्रोसेस को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। मतलब आप लॉन्ग, अगर आप लंबा कोई भी अगर कोड्स को टाइप किए, तो उसका हर एक एक कोड का मतलब होता है, वो हमें बाइट कोड में देखने को मिलता है गाइस, ठीक है। आप अगर पीसी पे अगर ये वाले JVM यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप पीसी के लिए JVM यूज़ कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, या इंटेलीजे का आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इसमें बाइट कोड देख सकते हैं। लेकिन मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो इसमें फीचर जो है नहीं दिया गया है इस सॉफ्टवेयर में, जावा वाले सॉफ्टवेयर में, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं बाइट कोड जनरेट करता है वो, ठीक है। कैसे देख सकते हैं, चलिए हमने ये जो भी यहाँ पे कोड्स को राइट किया, मतलब सोर्स कोड राइट किया, उसको हमें बाइट कोड में देखना है। ये कंपाइल हो गया, अभी हमने रन किया तो ये कंपाइल हो गया, ठीक है, इसी सॉफ्टवेयर में कंपाइल हो गया। अब हम इसे बाइट कोड देखना है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक बिल्ड करके एक फोल्डर क्रिएट हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है गाइस। तो इस फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे क्लासेस पे क्लिक करेंगे और बिल्ड पे क्लिक करते हैं, आउटपुट पे क्लिक कर देते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। जार पे क्लिक करेंगे, तो ये जार है हमारा, जार में कन्वर्ट कर दिया है। जार क्या होगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्लास पे क्लिक करते हैं, कॉम पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं गाइस। क्लासेस में क्लिक करेंगे तो हमारे ये हमारा जो है माई क्लास करके हमने जो क्रिएट किया था डॉट क्लास के नाम से है, तो ये बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया हमारा ऑटोमेटिक। अगर आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो नया प्रोजेक्ट में आप जब तक रन नहीं करेंगे तब तक ये बाइट कोड नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। ये हमने, हाँ एक सेकेंड, ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जावा करके क्लास क्रिएट किया, हमने उसे रन किया, यहाँ पर कंपाइल किया, ठीक है। कंपाइल करने के बाद कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर जो है कंपाइल किया, और ये कंपाइल करने के बाद हमें ये JVM
JVM जावा वर्चुअल मशीन, इसी में सारा फीचर है इस सॉफ्टवेयर में। इसने क्या किया, हमें बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये हमें कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली, और बाइट कोड में कन्वर्ट करके हमें जो भी चाहिए हो आउटपुट, वो आउटपुट हमारा JVM में दिखाएगा, मतलब मोबाइल पे हमारा दिखाएगा मोबाइल में। ये देख सकते हैं, ये हमारा शो कर देगा आउटपुट। ठीक है गाइस, ये अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटपुट रन कर दिया। ये JVM का काम है, जावा वर्चुअल मशीन का, ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर में शो कर दिया। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया, मोबाइल पे मैंने बताया गया, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे अगर आप इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो ये अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसको व्यू कर सकते हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में हमें सीन करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। बाइट कोड को आप सीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि उसमें फीचर वो है कि नहीं, तो इसमें हम सीन नहीं कर सकते हैं। हम आपको अगर दिखा पाते तो हम दिखा सकते थे, लेकिन अगर इसी में यही चीज़ अगर आपको देखना है, जैसे हम इंटेलिजेंट इसमें कॉस्मिक में देखना चाहें तो कॉस्मिक में शायद आई थिंक दिखता है बाइट कोड। चलिए मैं इसमें दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे हम सिंपल जावा करके हमने जो क्रिएट किया था इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और यह हम एक बार रन कर लेते हैं, सॉफ्ट रन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कोड को रन, ये एरर आ रहा है इसमें क्योंकि ये क्रैश कर रहा है गाइस, ये सॉफ्टवेयर जो है क्रैश कर रहा है। चलिए मैं फिर से देखता हूँ, 3 लाइन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बिल्ड में जाएंगे क्योंकि हमारा बाइट कोड इसी बिल्ड में दिखेगा। बिन में जाएंगे और यहाँ पे क्लास में जाएंगे, और क्लास में देख सकते हैं मेन क्लासेस करके है, तो ये बाइट कोड है। अब बाइट कोड में हम यहाँ पे इसमें देख पा रहे हैं गाइस, इस सॉफ्टवेयर में हम देख पा रहे हैं, तो देख सकते हैं ये बाइट कोड में इस तरह से कुछ कोड आपको देखने को मिलेगा। जो भी कोड आपने टाइप किया उसका जो लंबा प्रोसेस है वो हमारा जो है ये बाइट कोड में, जैसे कि हमने मेन क्लास करके बनाया था, और मेन क्लास में हमारा जो भी फंक्शनैलिटी है वो हमें बाइट कोड में देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा इसका बाइट कोड में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली। हर हर क्लास का जो रहता है अलग अलग, आपने जो क्लास फाइल क्रिएट कर रखा है उसका अलग अलग आपका बाइट कोड जनरेट कर देता है गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।